दिया और बाती के सेट पर मीनाक्षी को जैसे ही मिलता है मौका वो मारती है चांस पर चांस और इस बार तो भाभो भी हो गई है मीनाक्षी से मुकाबले को तैयार, जिससे रिहर्सल भी हो गई और कंपटीशन भी हो गया। लेकिन इस मस्ती में इन सब ने संध्या को कर दिया पराया। संध्या ने नहीं की इनके साथ कोई भी मस्ती। भाभो नकवली की प्रैक्टिस भी तो करनी जरूरी होती है ना। वो ठीक है बिरनी करनो चाहे, अगर कोई काम लिया है तो उन्हें मनसु करनो चाहे। मीनाक्षी पर डांस का ऐसा बुखार चढ़ा है कि मैडम सेट पर सीन को भी अपने डांस से जोड़ देती हैं। अब यही देख लीजिए, सीरियल की कहानी की बात करते करते मैडम ने डांस शुरू कर दिया और भाभो भी देने लगी अपनी बींदनी का साथ। भाभा मेरे को थोड़ा सा सिखाओ ना। ये मारा राम जी यो टाबर गए और इन्हें नाचनो है, देख लियो देख लियो देख लियो, कहीं बावली हो रही है नचबलिए के बीच में है। बलिए में मुझे तुम लोग सब लोग आगे आगे जरूर भेजना, मेरा नंबर नोट कर लो फटाफट से। तो आप मुझे अगर प्यार करते हो, अगर तुम लोग मुझे भूले नहीं हो, तो थोड़ी फटाफट से शनिवार 9 बजे रात को फोन करना 1800120230202 मारा कोड है, अब फटाफट से फोन करो है ना। अरे फोन नहीं, फोन के साथ आशीर्वाद है, यो समझो दे आप दोगा ना मिस कॉल वो आशीर्वाद होगा हमारी। क्या बात है, मजा आ गया होगा कनिका को। शूट का शूट हो गया और प्रैक्टिस की प्रैक्टिस हो गई। लेकिन इस मस्ती में इन सब ने संध्या को पराई कर दिया, क्योंकि संध्या को सता रहा है एक गम, वो गम जिससे संध्या नहीं कर पा रही है मस्ती, वो गम जिससे संध्या है परेशान। लेकिन उससे मीनाक्षी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो लगी है बस मस्ती करने में। आपको दिखाते हैं कि संध्या क्यों हो गई है इन सब से मस्ती में पराए। दरअसल हुआ ये कि काना हो गया गुम और इसी बात को लेकर संध्या है परेशान, साथ ही मीनाक्षी का भी हो गया है रो रो कर बुरा हाल। हमारे सेट पर हमेशा खुशी रहती है, चाहे कितना रोने धोने का सीन क्यों ना, मगर उस दिन सब लोग सैड होते हैं, ज्यादा नहीं बोलते हैं जिस दिन बहुत हैवी सीक्वेंस होते हैं। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम हंसते हंसते कर देते हैं तो। बट आज जब तक हमारा सीन चला हम लोग बहुत सैड थे, क्योंकि काना का जिक्र होते ही एक इमोशनल टच है काना से और वो नहीं मिल रहा है हम लोग जैसे कुलदेवी के मंदिर से आए हैं। सुना आपने, इन्हें सता रही है कान्हा की याद। इस घर का लाडला कान्हा कहीं खो गया है और ये सभी उसकी तलाश में जुटे हैं। संध्या से लेकर सूरज, भाभो से लेकर मीनाक्षी, हर कोई नम आंखों के साथ कान्हा को पुकार रहा है। लेकिन कान्हा का कहीं कोई अता पता नहीं है। इन सब से परेशान होकर भाभो इतनी बौखला गई कि उन्होंने मीनाक्षी की ही क्लास लेनी शुरू कर दी। क्या बताओ इस गिलहरी के कारनामे, मैं तो कुलदेवी माता का आभार व्यक्त कर करा रही हूँ कि दो दो पोते दिए, एक पोता एक पोती। काला धागा लेकर आई थी मैं बच्चे से मंदिर से और काना नहीं ढूंढ रही थी, तो इन्हें तो पता ही कोनी के काना कठे है। मना कर रही थी ना मैं, छोटे टाबर ने छोड़ कर दी, बैठे बिठा देती कम से कम तालियां तो बजा, तो मारे छोरे ने तालियां बजानी आवे। ये तो रही सीरियल की ऑन लोकेशन की बात, लेकिन हम आपको बता दें कि इस रोने धोने के बीच सेट पर केक भी काटा गया और जश्न भी मनाया गया, क्योंकि सीरियल ने पूरे कर लिए हैं 600 एपिसोड्स। हमारे क्रिएटिव्स आए, हमारी राइटर्स आए, सब लोग आए, प्रोड्यूसर्स आए सेट पर, क्योंकि आज हमने 600 एपिसोड जो हमारे टेलीकास्ट होने वाला है 600 एपिसोड और 6 की टीआरपी आई है, तो इस खुशी में वो सब लोग आए थे और बहुत खुशी का माहौल था अभी और आज है भी, तो उसके खुशी में हमने केक कटिंग की है और बहुत खुश है कि आप सबका इतना प्यार मिल रहा है। हाँ भाई, दिया और बाती के लिए तो जश्न मनाना रोज की ही बात हो गई है, कभी सीरियल के नंबर वन बने रहने पर, तो कभी एपिसोड्स पूरे होने पर, तो कभी किसी ना किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन। यहाँ हर मौके पर जश्न मनाया जाता है, जैसे यहाँ फिर मनाया जा रहा है। ये ट्रैक काफी खास है। अरे भाई हो भी क्यों ना, हमेशा दूसरों को रुलाने वाली मीनाक्षी आज खुद मुसीबत में फंसी है। चलिए इन्हीं मोहतरमा से जानते हैं कि ये अब कान्हा को कैसे ढूंढेंगी। उसको पर्दे चाहिए, वो अटवा जाएगा अपने आप। ये लीजिए, ये मैडम तो अपने बेटे तक को ढूंढने की जहमत नहीं उठाना चाहती, लगता है ये काम भी संध्या को ही करना पड़ेगा। तो बस तैयार रहिए देखने के लिए कि कान्हा को संध्या अपना IPS वाला दिमाग लगाकर कैसे ढूंढती है। आराधना पांडे, E24।